जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? जी, मेरा नाम फूलचंद यादव है, मैं प्रतापगढ़ से आया हूँ, 250 विधानसभा राजगढ़। मैं आपके एक और वॉइस के सभी दर्शक और श्रोता को नमस्कार करते हुए बहुत बहुत सा धन्यवाद देता हूँ कि आप हमें बराबर इस चैनल पे सुनते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? किस विषय पर? अभी किसानों के साथ जो हो रहा है, आज वहाँ महापंचायत है कुरुक्षेत्र में, उस पर आप क्या बताना चाहेंगे? ये सरकार जो है किसान और जवान के विरोधी हो गई है। किसान हमारे जो है एक थोड़ा सा एमएसपी की मांग लेकर के अड़े रहे, जा करके फिर 13 महीने बाद सरकार खाती है कि भाई और बहनों हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई। अरे हमने प्रधानमंत्री चुना था, तपस्वी नहीं चुना था। अगर आप तपस्वी हो हिमालय और किकंदराव में जा करके आप वहाँ तपस्या कीजिए। एक प्रधानमंत्री का दायित्व होता है कि देश में किसान जवान बहन बेटियों की हमेशा वो रक्षा करे सीनेतान करके। अभी आपको कहूं कि अभी हमारी बेटियां जो है जनता मंदिर पर धरना प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन सरकार का कोई भी प्रतिनिधि का आदमी, कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहा बेटी ये तो मामला बड़ा छोटा सा है, हम तेरे साथ हैं। संसद का उद्घाटन होने चल रहा है, गौरव के साथ तुम बैठिए, ये समस्या हम मिनटों में निपट लेंगे। क्यों नहीं सरकार के मुंह से आवाज क्यों नहीं निकली? हमारी बेटियां निराश होकर के गोल्ड मेडल जो दुनिया में अपनी ताकत और पराक्रम के बल से जीत कर लाई, उसको जो है निराश भावना से लेकर के हरिद्वार में प्रभावित करने चली गई। लेकिन हम इंतजार करते रहे सरकार का कोई आदमी कोई प्रतिनिधि आकर बोलेगा तुम ऐसा मत करो। ये तो सरकार गूंगी बाहरी हो गई, कोई बोलने के राजी नहीं। तो मैं ये कहा कि इनकी आत्मा भी मर गई है, इनका जमीर भी मर गया। जैसे कोरोना काल में गंगा में लाशें बह रही तो किसी के जमीर तक नहीं बोला, किसी की आत्मा तक नहीं जागी। ये टिकैत बंधुओं का धन्यवाद है, हमारा गोल्ड मेडल गंगा में प्रभावित होने से पहले सुरक्षित रख लिया गया। आज समाज की एक मर्यादा होती चाहे वो किसी जात धर्म का हो, लेकिन सोचा जाता है कि एक बार हमने किसी को बेटी कहा है, हमें बाप का फर्ज निभाना पड़ेगा, चाचा का फर्ज निभाना पड़ेगा, वो बेटी का फर्ज निभाएगी। लेकिन संस्कृत और सभ्यता दिनों दिन विलुप्त करते जा रहे हैं। बेटियों की इज्जत तार तार हो जाए, हत्या हो जाए, बलात्कार हो जाए, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई साहब, मैं कहूंगा जिस दिन सरकार अपने पे आएगी, क्षितिज तक सौर गूंजेगा, स्वयं दिन मान बदलेगा, उतारो भारती की आरती तो सम्मान बदलेगा। अरे आपसी हिंदू मुस्लिम में ला करके भारत माँ की कीर्ति मत करो धूमिल, करो शहीदों की पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा। और भी कोई कविता वविता आप कहेंगे? कविता क्या कहूँ, कविता मेरे कहने के अंदाज होता है, आप गौर करें। बिना मौसम हृदय कोकिल सा गूंजा नहीं करता, जहाँ अनुराग पलता है वहाँ दूजा नहीं जाता। रामचरितमानस के एक पात्र का नाम ले रहा हूँ। बिना मौसम हृदय कोकिल सा गूंजा नहीं करता, जहाँ अनुराग पलता है वहाँ दूजा नहीं जाता। भविष्य राम जी के भक्त है, वो उनके आभूषण है, मेरा आश्रय समझ लेना, वो उनके आभूषण है। भविष्य राम के भक्त है ये जानता सब है, मगर देशद्रोही को कभी पूजा नहीं जाता। मगर देशद्रोही को कभी पूजा नहीं जाता। ये हमारे जवान छोटी छोटी मांग कर रहे हैं कि हमारी पेंशन बहाल किया जाए। अरे वो वीरंगनाओं को एक ऊपर तरस खाओ, वीरंगनाओं के जिन्होंने अपने सुहाग को जो है देश के लिए दे दिया, वो शहीद हो गए, क्या आज उनके भरण पोषण के लिए थोड़ा गुजारा के लिए कुछ पैसे उनको नहीं दिया जा सकता है? अडानी को तो बहुत कुछ दिया जा सकता है, नीरव मोदी लेके भाग सकते हैं, मेहुल चौकसी लेके भाग सकते हैं। अरे उन्हीं में से कुछ अंश पर दे दिया जाए कि शहीदों के विधवाओं को भी काम, विधवाओं को भी काम चल जाए। आए दिन हमारे देश के जवान सीमाओं पे शहीद हो रहे हैं, किसान जो है 650 आंदोलन में समाप्त हो गए, लगभग 700 तब जाके सरकार पिघली। पता नहीं सरकार किस जगह, जहाँ बोलना चाहिए मोदी जी को वहाँ पर नहीं बोलते हैं, जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहाँ बहुत बोलते हैं। ठीक है भाइयों, आज भारत के कोने कोने में, जगह जगह में, घर घर में पहुँचाया जा रहा है हिंदू मुस्लिम। एक लाइन का संदेश मैं देना चाहता हूँ, पृथक हर धर्म होता है अलग धर्म, पृथक हर धर्म होता है, पृथकता प्रवेश होता है, पृथकता में रहे मिलजुल करके, यही उद्देश्य होता है
जहाँ रहते हों हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो समझे अपने देश को उसी का देश होता है, जो समझे अपने देश को उसी को देश होता है। मित्रवर, किसी मंच से मैंने कहा था, कथानक व्याकरण समझे तो सुरभि छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से मधुर मकरंद हो जाए, फिर से मधुर मकरंद हो जाए। मेरे मालिक मेरे भगवान, ये बंदा तुझसे मांगता है, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए, युवा पीढ़ी संभल कर विवेकानंद हो जाए। इंसानों के अंदर कुछ इंसानियत जागनी चाहिए, मानवता होनी चाहिए। आज सरकार जो के अंदर से आंखों का पानी मरता जा रहा है, इनका जमीर खत्म होता जा रहा है। उस पर दो लाइन कहूंगा, अगर माटी के पुतले के देह में ईमान जिंदा है, इसी से देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। न भाषण से उम्मीदें हैं, न वादों पे भरोसा है, शहीदों के बदौलत अपना हिंदुस्तान जिंदा है। शहीदों के बदौलत अपना हिंदुस्तान जिंदा है। मैं तो हर रोज प्रार्थना करता हूँ भगवान से, कुछ भारत में कुछ ऐसा हो जाए, सबको सद्बुद्धि मिले। इस पर दो लाइन कविता के साथ मैं कहूंगा, सभ्यता यशस्वी हो जाए, मानवता का फैले प्रकाश, सब दिव्य दृष्टि के पोषक हो, कर दो कुदृष्ट का सर्वनाश, इतिहास गढ़े जाए प्रतिबल, पृष्ठों में अलंकता बनी रहे, सज्जनता का अनुतुलन हो, मानव को पथ का पता रहे, हर एक बालिका विदुषी हो, हर बालक नीति निधान रहे, फहराए तिरंगा अंबर तक, माँ का धानी परिधान रहे, जब तक सूरज चंदा चमके तब तक हिंदुस्तान रहे। बहुत कहते हैं उनको ये लालच नहीं होती है, हमें धन वैभव ऐश्वर ये सब प्राप्त हो गए। उसी पर मैं कहना चाहूंगा, ये भारत वर्ष के बेटे हैं, ये हरगिज डर नहीं सकते, इन्हें मालूम है कि मरने के पहले मर नहीं सकते, जो कायर हो के दुश्मन के सामने जो कायर हो के दुश्मन के सामने झुक गया, लेकिन ये मर जाएंगे, उनको नमन कर नहीं सकते। ये वीर जवानों की ताकत है अपने भारत देश के, सीने पे हंसते हंसते जो गोली खा जाते हैं, देश के लिए बलिदान हो जाते हैं। आज जगह जगह हिंदू मुसलमान हो रहा है, कोई भी टीवी चैनल उठा लीजिए, एक संदेश देना चाहूंगा, कोई जर्रा नहीं ऐसा जहाँ की रब नहीं होता, लड़ाई वही करते हैं जिनका मतलब नहीं होता। अरे वो मंदिर मस्जिद की दीवानगी करने वाले, सुनो मेरी बात को, ओ मंदिर मस्जिद की दीवानगी करने वाले, वतन से बढ़कर कोई मजाम नहीं होता। हर आदमी इस दुनिया से आया है और जाएगा, अमृत काल में अमृत कोई नहीं पी रहा है, तो मैं कहूंगा वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी कहे, किंतु व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए, मर के तो जाना है एक दिन सभी को, मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए।